सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर को लेकर आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और एक ऐसे मुद्दे के बारे में बातचीत करेंगे जिसको ना तो प्रशासन देखने को तैयार है, ना ही कोई उच्च अधिकारी उनके सुध लेने जाते हैं। बात कर रही हूं पाली के नया गांव की, जहां पर पक्की नहर बनाई गई है। उस नहर में 6 से 7 फुट तक जो है घास उग गई है और उस घास के उगने के बाद वहां पर पानी भर गया है। गंदे पानी भरने से 3 वर्षों से आज तक उस नहर की सफाई तक नहीं की गई है। हमारे शहरों में बोला जाता है स्वच्छ रहेगा देश, जीत गया मेरा देश। तो देश कब जीतेगा? केवल स्वच्छ भारत के नारे लगाने मात्र से, केवल नाम मात्र लगाने से नारे किसी भी देश को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता। क्यों सरकार, क्यों प्रशासन इस ओर रुख नहीं कर रही है? क्यों सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है? जानकारी के लिए बता दें कि क्या मैं बात करूं यूपी की, क्या मैं बात करूं किसी और अन्य शहर की, या क्या बात करूं मैं कोलकाता की, जहां पर इस तरीके की जो है बीमारियां फैल रही हैं, लोग अस्पताल में भर्ती हैं, अस्पताल में बेड्स कम पड़ गए हैं, लोग श्वास तक नहीं ले पा रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर का आगमन हो गया है, लोगों में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं, बुखार का वायरल फैल रहा है, उसके बाद भी प्रशासन और सफाई का ध्यान रखने वाले कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। आखिर अगर देश की जनसंख्या वृद्धि अगर आपको कम करनी है तो क्या यही एकमात्र आपके पास साधन है कि गंदगी को बढ़ाया जाए जिससे लोग मौत के दलदल में जाएं? और मौत में दलदल के जाने के बाद में क्या आपको लगता है कि जनसंख्या में कमी की जा सकेगी? क्या आपने ये तरीका अपनाया जनसंख्या में कमी को करने का? सीधा सवाल है प्रशासन से कि क्यों अब तक 3 वर्ष से उस नहर की सफाई नहीं हुई है, जिसके चलते आज लोगों को भारी समस्या का करना पड़ रहा है सामना। आप देखना यह है कि क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है। देखते रहिए आवाज 24 की खास खबर। नया गांव में लोडिया फिटर की जो पक्की नहर सूर्य कॉलोनी से होकर निकलती है, उसकी सफाई पिछले 3 वर्षों से नहीं हो रही। वहां रह रहे स्थानीय निवासी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नहर के अंदर से 6 से 7 फीट घास उगने से, पानी भरने से जहरीले जानवर और मच्छर का आवरण हो रहता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में बीमारियां फैल रही है। पहले भी नहर की सफाई से संबंधित ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कहा है कि जल्द से जल्द सफाई करवाएं जिससे कि मच्छर और गंदगी ना फैले और किसी भी प्रकार की बीमारियों से कोई ग्रसित ना हो। मोहल्लेवासियों ने वार्ड नंबर 47 के पार्षद विक्रम पाल सिंह से मिलकर जलदाय विभाग में ज्ञापन दिया है।